आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक शार्प शूटर माँ ने अपनी बेटी को गैंगस्टरों से कैसे बचाया। एंड जिस हिसाब से आपने हमारी द केरला स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो को प्यार दिया है, मैं आशा करता हूँ आप उसी प्रकार से हमारी इस वीडियो को भी प्यार देंगे। मूविंग की स्टार्टिंग में हम FBI एजेंट विलियम को देखते हैं, जो कि जेनिफर नाम की एक लड़की का इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू ले रहा है। ये इंटरव्यू हथियारों की डील के बारे में था, जो एड्रियल और हेक्टर के बीच में हुई थी, और ये डील उन दोनों के बीच में जेनिफर ने ही करवाई थी। एंड हमें पता चलता है कि उन दोनों का जेनिफर के साथ अफेयर भी था। अब वो दोनों इसे मारना चाहते हैं क्योंकि जेनिफर उन दोनों के सीक्रेट्स जानती है। तभी उन सभी पर हमला हो जाता है। बाहर से एक शूटर एक एक करके उन सभी को मार देता है, जिसमें विलियम को भी एक गोली लगती है, तो जेनिफर उसे खींचकर दूसरे कमरे में ले आती है। अब जेनिफर बाथरूम में जाकर एक बॉम्ब तैयार करती है, जो उसे आर्मी ट्रेनिंग के दौरान बनाना सिखाया गया था। इतने में वहां एड्रियन आ जाता है। वो देखता है जेनिफर मां बनने वाली है, तो वो चाकू से उसके पेट पर वार कर देता है। इतने में जेनिफर के द्वारा बनाया गया बम फट जाता है और एड्रियन उसमें जल जाता है। खुद को आग से बचाने के लिए जेनिफर शावर ऑन कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं जेनिफर ने एक लड़की को जन्म दे दिया है। तभी वहाँ एक FBI एजेंट आती है। जेनिफर उस एजेंट से बोलती है, मेरी बच्ची कहाँ है, मैं उस बच्ची की माँ हूँ। एजेंट उसे बोलती है, तुम उस बच्चे की माँ नहीं हो, बल्कि उस बच्ची की मौत हो। आज के बाद तुम कभी भी अपनी बच्ची से नहीं मिल पाओगी, क्योंकि एड्रियन अभी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। अगर वो पैदा होने से पहले ही तुम्हारी बच्ची को मारने की कोशिश कर सकता है, तो बाद में भी वो ऐसा दोबारा कर सकता है। अब एजेंट उसे पेरेंटल गाइड लीव करने के लिए फॉर्म भरवाती है, और साथ में ये भी बताती है कि तुम्हारी बच्ची की जानकारी बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी। फिर जेनिफर विलियम के पास जाकर बोलती है कि मेरी बेटी की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ, अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी होता है तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगे। अब हम देखते हैं जेनिफर अलास्का चली जाती है। वहां जाकर वो पुराने साथी जोनस से मिलती है, जो कि उसे एक जंगल के अंदर बने पुराने घर में रहने के लिए ले जाता है। जेनिफर अपने दोस्त को बोलती है कि तुम अब से मुझे नहीं जानते। देखते देखते कहानी में 12 साल बीत जाते हैं। जेनिफर ने जंगल के अंदर रहने का तरीका सीख लिया है। एक दिन वो जब शिकार करके वापस लौट रही थी, तभी वहां उसका दोस्त जोन आता है। जोन अपने साथ एक लेटर लेकर आया था, जिसके अंदर एक प्लेन की टिकट और एक कोड लिखा हुआ था। यह देखकर जेनिफर समझ जाती है कि उसकी बेटी को खतरा है, तो वो वहां से पूरी तैयारी करके निकल जाती है। उसका प्लेन सिंसिनेशन हवाई अड्डे पर लैंड करता है और विलियम उसे लेने आता है। अब विलियम उसे बताता है कि जब हमने हेक्टर के आदमियों को उसके अड्डे पे पकड़ा, तो हमें हथियारों के साथ साथ तुम्हारी बेटी की फोटो भी वहां मिली। अब जेनिफर अपनी बेटी का नाम पूछती है, तो विलियम बताता है उसका नाम जोई है। अब वहां पे पहुंचकर जेनिफर जोई का परछाई की तरह पीछा करने लगती है। जहां जहां पे जोई होती, वहां वहां पर जेनिफर उसका छुप छुप कर पीछा करने लगती है। एक दिन जब जोई एक पार्क के अंदर खेल रही थी, तो जेनिफर सामने की तरफ बनी एक पार्किंग से उस पर नजर रख रही होती है। तभी वहां एक वैन आती है। जेनिफर को उस पर शक हो जाता है, तो वो अपनी गन रेडी कर लेती है। तभी वहां एक और वैन आती है, उसमें से दो आदमी निकलते हैं, जिसमें से एक आदमी को जेनिफर पहचान लेती है। वो जोई को टच भी करते उससे पहले जेनिफर काफी सारे लोगों को ठिकाने लगा देती है। अब उन गुंडों की नजर जेनिफर पे पड़ चुकी थी, तो कुछ लोग जेनिफर को पकड़ने के लिए उसकी तरफ निकल जाते हैं, और कुछ लोगों ने जोई को भी किडनैप कर लिया था। अब वो लोग जेनिफर को मारने के लिए पार्किंग में पहुंच गए थे, तो वो उन सभी से बचने के लिए एक पुरानी गाड़ी के अंदर आकर छुप जाती है। तभी एक गंजे को उस गाड़ी पे शक हो जाता है, लेकिन जेनिफर जल्दी से उस गाड़ी को स्टार्ट करके उस गंजे का काम निपटा देती है। अब जेनिफर वहां से भाग ही रही होती है, तभी वहां पुलिस आ जाती है, तो वो पार्किंग से कूद कर नीचे आ जाती है। इतने में विलियम भी उसे लेने के लिए आ जाता है। अब वो विलियम को बताती है कि हेक्टर के आदमियों ने जोई का किडनैप कर लिया है। अब विलियम उससे पूछता है, वो क्या चाहते हैं तुमसे, तो वो बोलती है, मुझे, जब तक मैं उन्हें एक एक करके नहीं मारूंगी, तब तक वो मुझे तसल्ली से नहीं देख पाएंगे। अब विलियम खुद का और जेनिफर का पासपोर्ट अरेंज करता है और हेक्टर को ढूंढने के लिए हवाना जाते हैं, जो कि कुबा में पड़ता है। वो दोनों वहां के एक फेमस बार में जाते हैं और अपनी बेटी के किडनैपर का इंतजार करने लगते हैं। इतने में किडनैपर भी वहां पर आ जाता है, तो जेनिफर उसे पकड़ लेती है। तभी कुछ लोग उनपे हमला कर देते हैं। इस चीज का फायदा उठाकर किडनैपर वहां से भागने लगता है, तो जेनिफर भी उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। अब जेनिफर को एक बाइक मिल जाती है, तो वो उस पर बैठकर किडनैपर का पीछा करने लगती है। तभी एक कार से वो टकरा जाती है, तो वो उसी आदमी की कार चुरा कर फिर से पीछा करने लग जाती है। काफी देर बाद वो किडनैपर जेनिफर के हत्थे लग जाता है।
जेनिफर उस किडनैपर को अपने साथ एक पुराने खंडर में ले आती है। वहाँ उसकी खूब पिटाई होती है। फिर वो उसे बता देता है कि हेक्टर तुम्हारी बेटी को एक फार्म हाउस पर लेकर गया है, जहाँ पर वो तुम्हारी बेटी की चमड़ी को नोच कर खा जाएगा। इतना सुनते ही जेनिफर को काफी गुस्सा आ जाता है और जेनिफर उसे मार डालती है। अब वो अपने होटल में होते हैं तो विलियम उससे पूछता है कि तुम हेक्टर और एड्रियन को कैसे जानती हो। तो जेनिफर जवाब देती है कि जब मैं अफगानिस्तान में थी तो एड्रियन मेरे स्नाइपर टीम का हेड था। मैं सबसे बेस्ट स्नाइपर थी, इसलिए मैं उसकी नजरों में आ गई और धीरे धीरे हमारे बीच नजदीकियां बढ़ गई और मुझे उसके नेटवर्क का भी पता चल गया। हेक्टर मिलिट्री की नाक के नीचे से हथियार गायब कर रहा था और मुझे अपना रिटायरमेंट बढ़िया बनाना था, तो मैंने एड्रियन के नेटवर्क और हेक्टर के हथियारों को आपस में मिला दिया और मैंने उन दोनों की डील करवा दी। मुझे पैसे चाहिए थे ताकि रिटायरमेंट के बाद मैं अपनी जिंदगी मजे से जी सकूं। फिर एक दिन मुझे ऐसा लगा कि वो दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। जब मैं माल चेक करने गई तो मुझे एक डिब्बे में बहुत सारे बच्चे मिले। तब से मैंने उन दोनों का साथ छोड़ दिया और तभी से वो दोनों मेरे दुश्मन बन गए। अब वो दोनों रात में हेक्टर के अड्डे पे जाते हैं। वहाँ बहुत सारे गनमैन थे, तो जेनिफर अपने शार्प शूटर होने की कला दिखाती है। वो एक एक करके हेक्टर के सभी आदमियों को ठिकाने लगा देती है। एंड फाइनली जेनिफर वहाँ पहुंच गई थी जहाँ जोई को कैद करके रखा गया था। अब जेनिफर जोई को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। तभी विलियम को देखते ही जोई उसके गले लग जाती है, क्योंकि विलियम अक्सर उससे मिलने के लिए जाया करता था। अब जेनिफर हेक्टर को मारने के लिए फिर से घर के अंदर जाती है, लेकिन इस बार हेक्टर पहले से ही तैयारी करके बैठा हुआ था। वो उसे गन पॉइंट पे लेकर हथियार फेंकने के लिए बोलता है और साथ में ये भी बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। फिर जेनिफर मौके का फायदा उठाकर चाकू से हेक्टर को मार देती है और उस जगह को आग लगाकर वहां से निकल जाती है। अब वो दोनों जोई को उसके पेरेंट्स के घर पर छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वो रास्ते में एक सुपरमार्केट पे सामान खरीदने के लिए रुकते हैं। अब बाहर आकर जेनिफर जोई को कुछ सामान देकर बोलती है कि अब विलियम तुम्हें घर छोड़ देगा। जोई अब उससे पूछ लेती है, क्या तुम मेरी मोम हो? जेनिफर बोलती है नहीं और अपना सामान उठाकर वहां से निकलने लगती है। फिर विलियम उसे एक फोन देकर बोलता है, टच में रहना। इस बार जोई विलियम से पूछ लेती है, क्या ये मेरी मोम है? तो विलियम भी उसे यही बोलता है कि तुम्हारी असली मम्मी तुम्हारा घर पे इंतजार कर रही है, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन जेनिफर के अंदर की मां नहीं मान रही थी, उसे ऐसा लग रहा था मानो कुछ बुरा होने वाला हो। अब अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जहां एक कार विलियम और जोई की कार को टक्कर मार देती है। फिर कुछ गुंडे आकर उनको कार से नीचे उतार देते हैं। फिर वहां एड्रियन आ जाता है और जोई को आकर बोलता है कि कहां छुपी है तुम्हारी मां। तभी वहां जेनिफर हार्ले डेविडसन पर आकर एंट्री लेती है। एड्रियन उसे बोलता है कि अपनी गन नीचे करो। तभी वो विलियम को शूट कर देता है, लेकिन जेनिफर कार के लीक हो रहे तेल में आग लगा देती है और वो कार वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है। एंड मौके का फायदा उठाकर दोनों बाइक पे बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अब जेनिफर जोई को उसके घर छोड़ने नहीं जा रही थी, बल्कि अपने साथ अपने घर लेकर जा रही थी, क्योंकि जोई की जान को खतरा था। फिर वो रेस्टोरेंट से एक कार को भाड़े पे ले लेती है और जोई की माँ को कॉल करके बोल देती है कि वो आज के बाद कभी भी घर नहीं आएगी। दुश्मनों ने विलियम को भी मार दिया है, केवल मैं ही हूँ जो उसकी रक्षा कर सकती हूँ। फिर वो जोई को लेकर अलास्का जाने लगती है और घर पहुँचने से पहले वो अपने दोस्त जॉन की दुकान पर रुकती है और वहाँ से जरूरी सामान लेती है। एंड फाइनली वो जंगल के बीच बने अपने घर पर पहुँच जाते हैं। अब वो अपनी बेटी को शिकार करना सिखाती है, क्योंकि उसकी बेटी वेजिटेरियन थी, तो वो अपनी बेटी को समझाती है कि जहाँ खाने पीने के ज्यादा ऑप्शंस ना हो उधर शिकार करके ही खाया जाता है। साथ में वो उसे कार भी चलाना सिखाती है, ताकि कल को अगर उसे कुछ हो जाता है तो वो कार चलाकर अपने घर पर पहुँच सके। अगले सीन में हम देखते हैं जोए भेड़िए के बच्चों को कुत्ते का बच्चा समझ के उनके साथ खेल रही होती है। तभी वहाँ भेड़िया आ जाता है तो जेनिफर जोई को भागने के लिए बोलती है। एंड जोई को देखते ही जैसे भेड़िया उसके पीछे भागता है, जेनिफर उसे नकली गोली मार देती है। फिर वो जोई को बताती है, इन हरी गोलियों में नमक भरा हुआ है, इनसे कोई भी नहीं मरता। लेकिन जोई का उधर रह रहकर मन भर चुका था, तो जेनिफर उसे ये कहकर उसका मूड शांत कराती है कि हम जल्दी से इस जगह से बाहर निकलेंगे। अब हम देखते हैं जोई ने निशाना लगाना सीख लिया है और इन दोनों ने घर के आसपास माइंस भी लगा दी है। अगली सुबह जब जेनिफर की आंख खुलती है तो उसे जोई घर में कहीं भी दिखाई नहीं देती। बाहर जाकर वो ये देखती है जोई भेड़िए के बच्चों के साथ खेल रही थी। आखिरकार वो थे तो जंगली जानवर ही, उनमें से एक बच्चा जोई के हाथ पे काट लेता है। फिर जेनिफर उसे पास के एक हॉस्पिटल में लेकर जाती है।
अब नर्स जोई को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर जैसे ही उसका ट्रीटमेंट करके जेनिफर को बुलाता है तो डॉक्टर ये कहता है कि जोई काफ़ी बहादुर लड़की है। अब जेनिफर जोई को लेकर जॉन की दुकान पर आ जाती है। वो जॉन को ये बोलती है कि इसने डॉक्टर को अपना असली नाम बता दिया है और उन लोगों ने वह डाटा अपने कंप्यूटर पे सेव कर लिया है, मैं रिस्क नहीं ले सकती। फिर वो जोई को जॉन के पास छोड़कर वहां से चली जाती है। जोई गुस्से में पीछे से आई हेट यू चिल्ला रही होती है। रात होते ही एड्रिन अपनी फौज लेकर जोनस की दुकान के सामने से निकलता है और जोनस जेनिफर को फोन करके बोलता है, मैं जोई को लेकर यहाँ से निकलता हूँ। पीछे खड़ी जोई उसे पूछती है कि हम कहाँ निकल रहे हैं, जिसके जवाब में जोनस बोलता है, मुझे खुद नहीं पता, बस हमें आगे बढ़ते रहना है। अब जोनस वहाँ से निकलने की तैयारी कर ही रहा था तभी जोई को एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर उसे ये पता चल जाता है कि जेनिफर ही उसकी असली मॉम है, वो उससे बहुत प्यार करती है। तो जोई जोन्स की कार लेकर अपनी माँ के पास चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं एड्रिन की सेना जेनिफर के ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। एड्रिन उन सभी को हुक्म देता है कि तुम बस उसे पकड़ लेना, बाकी उसका काम मैं खुद निपटाऊंगा। अब वो सभी जेनिफर की तरफ जाने लगते हैं तभी वहाँ एक माइन फट जाती है। तो एड्रिन उन सभी को बोलता है कि थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ो, हर तरफ माइंस बिछी हुई है। फिर जेनिफर एक आदमी को पकड़कर उसे मार देती है और उसके कपड़े खुद पहन लेती है। अब एड्रिन को कुछ खुराफाती करना था तो वो एक माइन को उठाकर एक स्कूटर के ऊपर बांधकर उसे जेनिफर की घर की तरफ छोड़ देता है, जिसकी वजह से जेनिफर का घर ब्लास्ट हो जाता है। अब जोई भी वहां आ गई थी तो एड्रिन के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और जोई को स्कूटी पे बिठाकर एड्रिन के पास लाने लगते हैं। तभी वहां जेनिफर आ जाती है और जोई को स्कूटर से छलांग लगाने के लिए बोलती है। जोई के छलांग लगाते ही जेनिफर उस आदमी को शूट कर देती है। अब वो जोई को अपने साथ लेकर पेड़ पर बने टावर पर ले आती है और वहां से गुंडों पर शूट करने लगती है। तभी एड्रिन जोई को अपने निशाने पर लेकर जेनिफर को सरेंडर करने को बोलता है एंड जब जेनिफर वहां पहुंचती है तो वो उसे बंदूक फेंक कर कपड़े उतारने के लिए बोलता है। अब उन दोनों के बीच में धप्पड़दू होने लगती है। दूसरी तरफ जोई काफी कोशिश करती है कि उसे एक क्लियर शॉट मिल जाए और वो एड्रिन को शूट कर सके, लेकिन उसे क्लियर शॉट नहीं मिलता तो वो पास आकर हरी वाली गोली चला देती है, जिसकी वजह से दोनों पहाड़ के नीचे गिर जाते हैं और वो गोली जाकर जेनिफर को लगती है। अब जेनिफर को होश आ जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है जो गोली जोई ने चलाई थी वो नमक वाली गोली थी। अब वो देखती है एड्रिन जोई को कार में बिठाकर अपने साथ लेकर जा रहा है तो वो अपनी धुंधली आंखों से एड्रिन पर निशाना लगाती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है एंड दूसरी बार जब वो निशाना लगाती है तो उसका निशाना सही जगह लग जाता है और एड्रिन का खेल वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर जोई भागकर जेनिफर के पास आती है। फाइनली जेनिफर के सारे दुश्मन ख़त्म हो चुके थे, इसलिए वो जोई को लेकर उसके माँ बाप के पास जाती है और उसके माँ बाप उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं। यह सब देखकर वो भी काफ़ी खुश थी कि उसकी बेटी को अच्छे माँ बाप मिले हैं। अब हम देखते हैं जेनिफर उनको छोड़कर अपने घर नहीं गई थी, बल्कि वो उनके पास रहकर ही उनके ऊपर 2400 घंटे नज़र रख रही थी, ताकि अगर कभी उसकी बेटी को कोई भी परेशानी आए तो वो अपनी बेटी के साथ हमेशा खड़ी रहे। और इस प्रकार मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइए। आगे की आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।